वेलकम टू ईपेपर डेस्क। ईपेपर डेस्क में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम लोग ईपेपर डेस्क में 7 डेज का जो ट्रायल मिलता है वो कैसे कर सकते हैं। तो ट्रायल के लिए पहले हम लोग ईपेपर डेस्क के वेबसाइट में आ जाएंगे, देन लॉगिन स्लैश साइन अप बटन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं लॉगिन विथ गूगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं हम लोग डैशबोर्ड के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। तो नया ई पेपर के लिए आपको पहले ऐड ई पेपर बटन में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है एंटर ई पेपर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी पेपर होगा उसका नाम आपको डालना है। मेरे केस में मैं एक ई पेपर का नाम दे रहा हूँ, ओके। इसके बाद रिकैप्चा बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। हमारा कैप्चा एक्सेप्ट हो चुका है। अभी हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। आप अभी देख सकते हैं हमारा जो 7 डेज का ट्रायल है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेम्पोररी डोमेन एडमिन लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड, इसका इन्फॉर्मेशन आपको आपके मेल पे भी मिल जाएगा। चलिए अभी हम लोग जाएंगे माई ई पेपर के सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जितना भी पेपर्स रहेगा सबको हमको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन हम देख पा रहे हैं। पेमेंट नाउ बटन है यहाँ पे, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग प्लान यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी हम लोग ट्रायल यूज करेंगे तो हम पेमेंट ऑप्शन हम यूज नहीं करेंगे। इसमें हम लोग को चेंज डोमेन का भी ऑप्शन मिलता है। चेंज डोमेन आप तभी कर पाएंगे जब आप कोई एक पेड सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेते हैं। इन्फो में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो डोमेन हम लोग को मिला है एज ए ट्रायल, ये हम लोग को दिखाई दे रहा है। एडमिन लॉगिन कैसे करेंगे इसका यूआरएल है, आईडी डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है, सारा सब कुछ हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्लिक करेंगे हम लोग का टेम्पोररी डोमेन पे और देखते हैं हम लोग का साइट कैसा दिख रहा है। देखिए हम लोग का साइट जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है, ओके। तो अभी क्वेश्चन ये है हम अपना पेपर इसमें कैसे पब्लिश कर सकते हैं। हमें अपना पेपर पब्लिश करने के लिए हम आ जाते हैं पेपर डेस्क के सेक्शन के अंदर। इस पे देखिए लॉगिन यूआरएल है, हम इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड हम लोग को डालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद इस डैशबोर्ड में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, जैसे कि आपका स्टोरेज कितना है, विजिटर आपका टोटल मंथ में क्या हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ कैटेगरी कितना है, सारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी न्यू एडिशन पब्लिश करने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे पब्लिश एडिशन पे। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एडिशन के रिलेटेड, जैसे मैं आज का डेट में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से डेट चूज कर लूंगा आज का। स्टेटस हम यहाँ पे लाइव रखेंगे, लाइव नाउ, और हम लोग अपलोड करेंगे पीडीएफ, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग ऑप्शन है हम लोग के पास पीडीएफ चूज करने के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है, तो हम इसको अभी यूज करेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही अभी हम रिव्यू एंड अपलोड में क्लिक करेंगे ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का एडिशन पब्लिश हो चुका है। तो अभी एडिशन को देखने के लिए हम जाएंगे मैनेज एडिशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं
हम लोग के पास अभी दो एडिशन है। ये जो एडिशन है ये डेमो के तौर पे हम लोग के पास था, और ये जो अभी नया एडिशन है ये अभी हम लोग ने अपलोड किया है। तो अगर आपको ये देखना है तो हम जाएंगे, क्लिक करेंगे एक्शन बटन में, देन प्रीव्यू एडिशन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का जो एडिशन है यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अगर आपको इसके अंदर एरिया मैप करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। इधर भी दो ऑप्शन है, एक है हम लोग के पास एरिया मैपिंग जो एडमिन की तरफ से होता है, और एक ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉप, ठीक है, इसको भी इस्तेमाल करके हम लोग एरिया मैप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग के एरिया क्रॉप हो चुका है, और अभी आप चाहे तो इसको सोशल मीडिया पे या डाउनलोड या किसी के साथ लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। और एडमिन से करने के लिए आप यहाँ पे इस माउस कर्सर को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप इसको एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, देन सेव कर लेंगे, ठीक है। अभी अगर हम इस पेज में आते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे, अगर माउस में इस सेक्शन के ऊपर लेके जाता हूँ, आप देख सकते हैं ये एरिया जो है ये ऑलरेडी कट हो चुका है। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ, देखिए ये पॉपअप होके हमारे पास दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको इस वीडियो के रिलेटेड, या कुछ आपको दिक्कत हो रहा है करने के लिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।